नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक है 2021 का। ईयरली मैगजीन है जो कि 27 सितंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका 600 MCQ, 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। और इसका हम लोग आज का जो सेट प्रैक्टिस करेंगे वो है सेट नंबर 17 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने सेट नंबर 17 आ गया है। ठीक है, तो पहला इसमें आपका बॉक्स में दिया गया है, उत्तर कोरिया ने किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल की परीक्षण। तो उत्तर कोरिया ने किया है लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण। उत्तर कोरिया ने कई नई विकसित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को समाप्त करने के उद्देश्य वाली अमेरिका के साथ उत्तरी कोरिया की वार्ता साल 2019 से ही रुकी हुई है। तो उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को समाप्त करने के उद्देश्य वाली अमेरिका के साथ उत्तरी कोरिया की वार्ता साल 2019 से ही रुकी हुई है। उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपनी एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है। तो उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपनी एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है। उत्तर कोरिया कम दूरी की नई मिसाइलों, मध्यम दूरी की और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ठीक है, तो अब हम सेट नंबर 17 को देखेंगे, सेट नंबर 17 का देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो निकोलस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो निकोलस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन अमेरिका को किया है। तो निकोलस तूफान ने अमेरिका अमेरिका देश को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सेकंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए द क्राउन, ऑप्शन बी द गुड प्लेस, ऑप्शन सी द अमेजिंग रेस, ऑप्शन डी द हैंडमेड्स टेल। तो 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्राउन, द क्राउन ने जीता है, द क्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह ने जो है शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मुन्नू महावर, ऑप्शन बी पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन सी मनप्रीत बोरा, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विक्रम दोरास ई स्वामी। ठीक है, तो मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुन्नू महावर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गणितज्ञ को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किस गणितज्ञ को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नीना गुप्ता, ऑप्शन बी आनंद कुमार, ऑप्शन सी श्रीनिवास वर्धन, ऑप्शन डी मनिंद्र अग्रवाल। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आनंद कुमार को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मालदीव शैली के वाटर विला को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मालदीव शैली के वाटर विला को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन में भी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन सी या क्या भी भारतीय मुक्केबाज बनी है? तो ऑप्शन ए पांचवी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीसरी। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC केंद्र पुनः शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन और संबंध क्षेत्रों को वित्तीय ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन और संबंध क्षेत्रों को वित्तीय ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, FITE शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो FITE शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जेन क्रिजिस्टोफ डुडा, ऑप्शन बी सरगेई कारजाकी, ऑप्शन सी निहाल सरीन, ऑप्शन डी लेबोन एरोनियन। ऑप्शन ए है जेन क्रिजिस्टोफ डुडा, ऑप्शन बी है सरगेई कारजाकी, ऑप्शन सी है निहाल सरीन, ऑप्शन डी है लेबोन एरोनियन। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेन क्रिजिस्टोफ डुडा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के परमाणु क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2034, ऑप्शन सी 2031, ऑप्शन डी 2029। तो भारत की परमाणु क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत इस साल जुलाई में कम्युनिटी ऑफ पुर्तगाली लैंग्वेज कंट्रीज CPLP में एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। CPLP और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत इस साल जुलाई में कम्युनिटी ऑफ पुर्तगाली लैंग्वेज कंट्रीज CPLP में एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। CPLP को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लुसोफोन कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी बाल्टिक कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी लिस्बन काउंसिल, ऑप्शन डी वर्दे डिक्लेरेशन। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुसोफोन कॉमनवेल्थ में। क्वेश्चन नंबर लुसोफोन कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है CPLP को। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के किस जिले में डिजाइन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए धर्मपुरी, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी ईरोड, ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लूर। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम की ने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी टाटा क्लिक, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पी एस बनर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी लोक गायक, ऑप्शन सी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्विगी ने हीरो इलेक्ट्रो कार्गो HLC के साथ साझेदारी में फूड डिलीवरी के लिए किस शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बेगम है ये रानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कृतिका शर्मा, ऑप्शन बी रुद्रांगसु मुखर्जी, ऑप्शन सी नमित अरोड़ा, ऑप्शन डी कुमार किंसुकू। ये बेगम है ये रानी के पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांशु मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक मत्स्य निर्यात को एक ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2023। तो 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोजेक्ट रीप प्लान निम्नलिखित में से किस संगठन की एक परियोजना है। तो प्रोजेक्ट रीप प्लान निम्नलिखित में से किस संगठन की एक परियोजना है। ऑप्शन ए नेफेड, ऑप्शन बी एपिडा, ऑप्शन सी KVIC, ऑप्शन डी ट्राइफेड। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी KVIC। तो प्रोजेक्ट रीप्लान निम्नलिखित में से KVIC संगठन की एक परियोजना है। इस प्रकार हमारा हम लोग ने जो है 17 नंबर सेट को कंप्लीट किया है, समाप्त हो गया आपका सेट नंबर 17। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।